नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सेना का सम्मान किया है, सैनिकों का सम्मान किया है, अफसरों का सम्मान किया है। हमने कभी भी सेना की सफलता को निजी हमारी कोई सफलता नहीं मानी है, उनको हमेशा श्रेय दिया है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के दो बंटवारे करवाए हो, या चीन से हमारी लड़ाई हो, जहां भी हुई है हमने हमेशा सम्मानजनक तरीके से सेना को श्रेय दिया है और कभी भी निजी तौर पर श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। हमें इस बात का दुख है कि अभी चीन हमारी सीमा में घुस आए, और ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं चीनी सेना हमारे क्षेत्र में आ गई, विदेश मंत्री जी कह रहे हैं चीनी सेना हमारे क्षेत्र में घुस आई। सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हां, कुछ क्षेत्रों में चीनी सेना ने घुसपैठ की है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई चीनी सेना भारत की सीमा में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। यदि कहीं कोई प्रवेश नहीं हुआ है तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कैसे 20 निहत्ते हमारे अधिकारी और जवान शहीद हो गए? कैसे हमारे 10 अफसर और सैनिक हिरासत में ले लिए गए चीन सेना ने, जिन्हें बाद में छोड़ा गया? हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर मई से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन्हें खुलकर अपनी बात कहना चाहिए और देश को विश्वास में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ये जवाबदारी है कि वे देश के लोगों को विश्वास में लें, और उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं कि 62 के युद्ध में चीन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही एक जूनियर पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे उस समय, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने मांग की कि चीन के इस विषय पर संसद बुलाए, और उन्होंने संसद बुलाई, संसद में चर्चाएं हुई, डिबेट हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई बात छुपाने का प्रयास नहीं किया, झूठ नहीं बोले, गुमराह नहीं किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी से हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि जो राष्ट्रभक्ति की बात करते आए वो देश को गुमराह करें। देश गुमराह मत करिए मोदी जी, मैं आपसे मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है कि आप अपने बात खुलासा करें और हमारे शहीदों को पूरा सम्मानजनक जो भी उनके हक बनता है उनके परिवारों को मिलना चाहिए, सम्मानजनक राशि उनको मिलना चाहिए। अभी भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत की, लेकिन जो भी आपने उनको वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हम आज फिर से कांग्रेस पार्टी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, और हमारी सेना के अधिकारी अफसर और हमारे सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, और हम मांग करते हैं कि जो भी प्रश्न हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाए हैं उनका उत्तर सम्मानजनक और सच्चाई के साथ मन की बात में, अगले मन की बात में नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। एक बार फिर से शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि।